हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीबी और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, जिससे क्या है कि मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ तो थोड़ा सा आप लाइक करोगे तो यही हमारा फल है उसका। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो फिनवेसिया है, इसमें कई दिन से मतलब फ़ंड हम जो ऐड करते हैं या विड्रॉवल कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। विड्रॉवल करने में तो कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं है, आप ट्रेडिंग टाइम में अगर विड्रॉवल करोगे तो आपका 10-5 मिनट में पैसा यहाँ पर आ जाता है अकाउंट में। लेकिन बात आती है कि ऐड करने में, तो ऐड करते हैं तो साथ के साथ नहीं आ रहा है, उसमें करीब 2-3 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये इनका जो फंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें कुछ इशू चल रहा है, इसके चलते मैंने इनसे बात करी। मैं इसी पर ट्रेड करता हूँ फिनवेसिया पर, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज फीस फ्री, अकाउंट सेटअप फ्री, आपका कॉल एंड ट्रेड भी, आप कोई ट्रेड भी आप अगर वहाँ पर देते हो भाई हमारी इस कॉल को आप लोग लगा दो, आप बाई कर दो या सेल कर दो, तो उसको भी वो फ्रीज कर दें यहाँ पर। और जो क्लियरिंग चार्ज होता है, जो फीस होती है, वो भी फ्री है। आपने जैसे मान लीजिए उसको आप लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करना भूल गए तो वो अपने आप वहाँ पर कर देते हैं, वो भी फ्री है यहाँ पर। देखिए आप लोग देख सकते हैं NSBC, जहाँ भी आप लोग जिस वॉल्यूम के साथ ट्रेड करोगे तो वहाँ पर वो क्लीयरेंस चार्ज भी यहाँ पर फ्री कर रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको प्रीफर करता हूँ और अच्छा मानता हूँ, और मैं डेली ही इसमें ट्रेड करता हूँ यहीं पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने उनसे बात करी, इसका जो कस्टमर केयर है, तो क्या बात हुई और उसका क्या सारांश है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ कहा, मैम ये फंड ऐड करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आजकल, और फंड एड रिफ्लेक्ट के बहुत मैसेज आते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग फिनवेसिया या सुन आप भी यूज़ कर रहे होंगे तो आपको भी मैसेज आते रहते होंगे कि फंड रिफ्लेक्ट हो गया, 2 घंटे में हो जाएगा, 2 PM तक हो जाएगा, 1 PM तक हो जाएगा, तो ऐसे करके मैसेज आते रहते हैं। तो अब उसमें क्या है कि उन्होंने जवाब क्या दिया है कि बोला आप अपना वो नंबर बताइए, तो मैंने यहाँ पर उनको अपना क्लाइंट कोड बताया। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये मैसेज दिया मेरे को, मेरे कुछ समझ में आया पूरा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखिए 13 तारीख से यहाँ पर फरवरी से इनके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट और जो डीमैट अकाउंट होल्डर हैं उन पे ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि आपका जो फंड है वो 2 घंटे में, कम से कम 2-3 घंटे में वहाँ पर ऐड होता है। अब होता क्यों है ये, क्योंकि ये जो आप पैसा ऐड करते हैं यहाँ पर हम लोग, ये पहले जाता है इंट्राडे एलोकेशन बेसिस के पास, एक्सचेंज के पास। अब ये एक्सचेंज वहाँ से वेरीफाई करता है कि आप इस पैसे से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो या कोई भी ट्रेड कर सकते हो। फिर इसके बाद में क्या होता है कि पहले तो यहाँ पर देखिए ये फंड जो है वो एक्सचेंज के पास ट्रांसफ़र होता है, और फिर इसके बाद में क्लाइंट के पास आता है उसके डीमैट अकाउंट में, तब वो वहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो इस काम में कम से कम 2 घंटे तो लग जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये दिक्कत सारी आ रही है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर फंड ऐड किया फिर वो एक्सचेंज के पास जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेंगे, फिर वो हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। अब इसके लिए ये माफ़ी मांग रहे हैं और यहाँ पर ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसको हिंदी में पढ़वा के दिखाऊं तो देखो क्या है यहाँ पर, ये 13 फरवरी 2023 से डीमैट और ट्रेडिंग खाता धारक केवल इंट्राडे एलोकेशन बेसिस पर एक्सचेंज को धन आवंटित होने के बाद ही ऑर्डर दे पाएंगे। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले धन को एक्सचेंज में स्थानांतरित किया जाएगा, उसके बाद ही ग्राहक व्यापार आदेश देने में सक्षम होंगे। इस चल रही प्रतिक्रिया के दौरान पे इन प्रतिक्रिया में देरी हो सकती है, जिसमें अतिरिक्त 2 घंटे लगने की उम्मीद है। हम समझते हैं कि इस बदलाव में कुछ असुविधा हो सकती है और हम माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर ये सारी बात निकल के आई है। आज बहुत सारे मैसेज करते हैं, बहुत सारे जो व्यूअर हैं वो भी कमेंट करते हैं कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है और हम तो यहाँ पर वीडियो देख के पैसा जोड़ने के लिए आते। देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने वीडियो बनाई थी तब ये इशू नहीं था, सिंपल है। अब ये इशू आ रहा है, अब आगे ये सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपने पैसा जमा किया तो वो पैसा लेके भाग जाएगी या कहीं पैसा अन्यत्र चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका पैसा या तो आपके खाते में वापस आ जाएगा या फिर आपका ऐड होके उस पर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, सीधी सी बात। तो कोई भी अगर आपके पास क्वेरी है, कोई शिकायत है अब भी, तो आप कमेंट करिए, मैं फिर भी आप जवाब देने की कोशिश करूँगा।
तो मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय।